भैया नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां कुरुक्षेत्र लाठी चार्ज को लेकर बीजेपी जेजेपी गठबंधन में फूट, बड़ी खबर है। जहां हरियाणा में किसानों पर किए गए लाठी चार्ज को लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी जेजेपी गठबंधन में फूट पड़ती नजर आ रही है। कुरुक्षेत्र में सूरजमुखी की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की मांग कर रहे किसानों पर जिस तरह लाठियां बरसाई गई, उससे सरकार में शामिल जेजेपी के नाराज नेता है। जेजेपी के शाहबाद के विधायक रामकरण काला का गुस्सा तो बीजेपी के मंत्री बनवारी लाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही फूट पड़ा। उन्होंने लाठी चार्ज के फैसले को गलत बताते हुए सुगर फेड के चेयरमैन पद से इस्तीफे का ऐलान कर डाला है। दरअसल सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल किसानों पर किए गए लाठीचार्ज को लेकर चंडीगढ़ के सेक्टर 17 स्थित मिनी सचिवालय में मीडिया के सामने सफाई दे रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ जेजेपी विधायक रामकरण काला भी थे। गौरतलब है कि कुरुक्षेत्र जिले में किसानों पर जिस जगह लाठीचार्ज किया गया, वह इलाका रामकरण काला के विधानसभा हल्के में ही आता है। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने रामकरण को वर्ष 2022 में सुगर फेड का चेयरमैन बनाया था। हरियाणा में जेजेपी और बीजेपी के बीच डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की विधानसभा सीट उचाड़ा को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा है। ऐसे में लाठीचार्ज के बहाने जेजेपी को बीजेपी पर हमला बोलने का नया हथियार मिल गया है। रामकरण काला ने मंत्री के सामने ही पत्रकारों से कहा कि सूरजमुखी की खरीद का एमएसपी 6400 रुपए प्रति क्विंटल तय है, इसके बावजूद किसानों से 4800 रुपए प्रति क्विंटल पर सूरजमुखी की फसल खरीदी जा रही है। सरकार की भावांतर स्कीम में किसानों को प्रति क्विंटल 1000 रुपए बोनस दिया जा रहा है, इसके बावजूद किसानों को प्रति क्विंटल 600 रुपए का नुकसान हो रहा है। किसान इसी का विरोध कर रहे थे। रामकरण काला ने कहा कि उनके विधानसभा एरिया में सरकार ने किसानों के साथ जो किया वह गलत है। प्रदर्शन करने वाले किसानों में 36 बिरादरी के लोग हैं और वह सभी पार्टियों से जुड़े हुए हैं। काला ने यहां तक आरोप लगाया कि सरकार की ओर से कुरुक्षेत्र में किसानों पर लाठीचार्ज जैसा कदम जानबूझकर उठाया गया। उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में किसानों पर लाठीचार्ज बिल्कुल गलत है। उनकी इस मामले में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से बात हुई है, जिन्होंने शीघ्र इस मामले का हल निकालने को कहा गया है। जेजेपी विधायक ने लाठीचार्ज की निंदा करते हुए इशारों में हरियाणा सीएम मनोहर लाल के राजनीतिक सलाहकार किशन बेदी पर निशाना साधा। किशन बेदी का नाम लिए बगैर रामकरण काला ने कहा कि लाठीचार्ज का फैसला सीएम के सलाहकार के इशारे पर किया गया। ध्यान रहे कि 2019 के चुनाव में रामकरण काला किशन बेदी को हराकर ही विधायक बने थे। बने रहे चैनल के साथ, मिलते अगली वीडियो में। धन्यवाद।